बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया था और इसके बाद इंडस्ट्री को छोड़ दिया। ये एक्ट्रेस मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी यानी कि अनिल अंबानी की पत्नी टीना मुनीम है। जी हाँ, टीना ने कई सालों तक फिल्मों में काम किया और उसके बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब टीना अंबानी सामाजिक काम कर रही है जिसकी जानकारी वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। बताते चले कि टीना ने एक्टिंग की दुनिया को बेशक अलविदा कह दिया, लेकिन नेटवर्क के मामले में वो आज भी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ चुकी है। जी हाँ, ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो कि जिसको टीना मुनीम ने नेटवर्थ के मामले में पीछे छोड़ रखा है। टीना अंबानी ने बॉलीवुड में फिल्म देश परदेश से डेब्यू किया था। उन्होंने 13 साल तक फिल्मों में काम किया था। टीना ने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया था। उन्होंने अपने 13 साल के करियर में 35 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने संजय दत्त, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर समेत कई कलाकारों के साथ काम किया था। आखिर कितनी है नेटवर्थ टीना मुनीम की, आइए जान लेते हैं। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीना अंबानी की नेटवर्थ है 2,331 करोड़। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। उनका घर बहुत ही आलिशान है जो कि 17वें मंजिल के घर में रहती है जिसका नाम अवार्ड है। उनको इस घर की कीमत करोड़ों में है। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास प्राइवेट जेट भी है। उनके पास रोल्स रॉयस फैंटम है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपये है। दूसरी ऑडी Q7 भी है जिसकी कीमत लगभग 88 लाख रुपये है। तीसरी मर्सिडीज है जो कि GLK 350 है जिसकी कीमत लगभग 77 लाख रुपए है। बताते चले कि टीना मुनीम की ये प्रॉपर्टी काफी ही ज्यादा सुर्खियों में हमेशा रहती क्योंकि इतनी नेटवर्थ उनकी है जितनी की कोई सोच भी नहीं सकता। टीना अंबानी एक्टिंग छोड़ने के बाद सामाजिक कार्यों में भी जुड़ चुकी है। उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक संगठन भी शुरू किया था। इसके अलावा वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के अध्यक्ष भी है। आपको टीना अंबानी की ये सारी जानकारी पता थी या फिर नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे बताते चले कि टीना अंबानी का संजय दत्त के साथ भी नाम जुड़ चुका था। जी हाँ, टीना मुनीम और संजय दत्त का नाम जुड़ा था। रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त के लिए टीना काफी ज्यादा पॉजिटिव थे और यहाँ तक कि एक बार वो ऋषि कपूर को माने उनके घर भी पहुंच गए थे, जिसके बाद नीतू कपूर ने समझाया कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, जिसके बाद संजय कपूर यानी कि संजय मान गए थे और वो वापस चले गए थे। वैसे आपको इस पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ और देखते हैं नेक्स्ट टाइम लाइव।